होला फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल होला चैनल पर। आप सभी ने कहीं ना कहीं पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुपरकंडक्टर के बारे में जाना है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही सुपरकंडक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ और बताऊँगा कि किस तरह से ये सुपरकंडक्टर काम करता है और उसके एप्लीकेशंस क्या है। आज के दौर में हम इलेक्ट्रिसिटी पर इतने डिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो हमारा सारा काम ठप हो जाएगा। हम जब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं तो हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं और कुछ एनर्जी हीट के ज़रिए वेस्ट हो जाती है। ये एनर्जी वेस्टेज रेजिस्टेंस की वजह से होती है जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो में बाधा डालती है। ये रेजिस्टेंस वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होने की वजह से पैदा होती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होके एनर्जी लॉस होता है। एक स्टडी के मुताबिक टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन का 20% इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को कम कर सके तो हम बड़ी मात्रा में एनर्जी वेस्टेज को रोक सकते हैं। 1911 में डच फिजिसिस्ट हिक कैमरलिंग ओन्स ने डिस्कवर किया कि कुछ कंडीशंस में कुछ मटेरियल को जीरो रेजिस्टेंस पर भी काम ले सकते हैं। इस तरह के मटेरियल को सुपरकंडक्टर कहा जाता है। अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन के बीच में जो कोलिजन हो रहा था वो नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा और वो मटेरियल सुपरकंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। मर्क्यूरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है 4 डिग्री केल्विन, यानी कि -269 डिग्री सेल्सियस। 2015 में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S को एक्सट्रीमली हाई प्रेशर 150 गीगा पास्कल्स में यूज़ किया गया, जिससे उसका सुपरकंडक्टर में ट्रांजिशन हुआ और वो 203 डिग्री केल्विन यानी कि -70 डिग्री सेल्सियस पर एज ए सुपरकंडक्टिंग मटेरियल काम कर सकता है। हाई टेम्परेचर, हाई मैग्नेटिक फील्ड और हाई करंट डेंसिटी के वजह से मटेरियल की सुपरकंडक्टिविटी ब्रेक हो सकती है। सुपरकंडक्टर के बहुत से एप्लीकेशन से, जैसे कि सुपरकंडक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह यूज़ किया जा सकता है, मैग्नेटिक लेविटेशंस के लिए भी सुपरकंडक्टर का ही यूज़ होता है, जिससे मैग्लेव ट्रेन चलती है। सुपरकंडक्टर के मेडिकल एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि MRI के जरिए ह्यूमन बॉडी का निरीक्षण किया जाता है, MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये थी सुपरकंडक्टर से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल होला चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल वीडियोस लेके आता रहता हूँ।